दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी की डिजिटल क्लास को अटेंड करने जा रहे हैं और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 12 यानी 12वां लेक्चर बायोलॉजी का ये मैं देने जा रहा हूं आपको। और आज दोस्तों हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं अमाशय के बारे में यानी स्टोमक के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उससे संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं, जैसे आज हम पढ़ेंगे जठर ग्रंथियों के बारे में। आपको मैं बताऊंगा कि जठर ग्रंथियों से जो जठर रस का श्रावण होता है वो कैसे होता है, उसका काम क्या होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे एंजाइम है जिसके बारे में अलग अलग हमें पढ़ने हैं, जैसे पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, लाइपेज है। इसके अलावा पित्त रस का नाम आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, जो कि पित्ताशय में स्टोर होता है, तो उसका क्या काम है। बाइल जूस जिसे आप कहते हैं, बिलुबरीन का नाम आपने सुना होगा, उन सभी तथ्यों के बारे में पढ़ा जाएगा। लास्ट में पढ़ेंगे अग्न्याशय और अग्न्याशय रस के बारे में जिसे पैंक्रियाज कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम ये सब तथ्य पर बातचीत करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह के वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो जल्दी से आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक बात याद रखेगा, हमारे YouTube चैनल पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, तो अगर आप हमें ज्वाइन करते हो तो निश्चित रूप से आपको एक बेहतर पढ़ने का स्थान मिल पाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखी थी और वही बातें फिर से आज आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, वहीं से हमारी कहानी शुरू होने वाली है। दोस्तों मैंने बताया था पिछली क्लास में ग्रास नली के बारे में, मैंने कहा था कि जब आप भोजन को चबाते हैं ना तो चबाने के दौरान ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, यानी जो पाचन है वो हमारे मुख से शुरू हो जाता है। भोजन उसके बाद लार में लिपट करके ग्रास नली के माध्यम से कहां तक पहुंचता है, अमाशय तक पहुंचता है। अमाशय जो कि हमारे उदर गुहा मतलब इस पूरे पेट को उदर गुहा कहा जाता है, ठीक है। तो इस उदर गुहा के बाएं हिस्से में होता है, ठीक है। तो याद रखेगा पेट कहां पर होता है, ये जो अमाशय होता है इसी को स्टमक कहा जाता है, इसी को पेट नाम दिया जाता है, और ये हमारे शरीर के बाएं वाले हिस्से में होता है, ठीक है, इसको याद रखेगा। और ये 25 सेंटीमीटर लंबी एक थैली नुमा संरचना होती है। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि ऊपर से जब नीचे ग्रास नली से होते हुए भोजन यहां पर आता है तो ये जो थैली नुमा संरचना दिख रही है यही क्या है, यही आपका अमाशय है। बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे तो आगे बातचीत करते हैं। दोस्तों इसको पहले डिटेल से मैं इसके बारे में कुछ बता देता हूं, कुछ तथ्य के बारे में जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। करा अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, पहले बता चुका हूं। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है और जो चौड़ाई होती है वो भोजन के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। भाई जितना ज्यादा भोजन आएगा तो चौड़ाई बढ़ेगी, कम भोजन होगा तो चौड़ाई घटेगी, मतलब एकदम सिकुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो चौड़ाई घटती और बढ़ती रहती है। दोस्तों एक लाइन और दे रहा है यहां पर, करा अमाशय की दीवार में अनेक ग्रंथियां पाई जाती, क्या होती हैं, अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये ग्रंथियां करते क्या हैं दोस्तों, इन्हीं ग्रंथियों से एक विशेष तरह का रस निकलता है जिसको जठर रस कहा जाता है। जठर रस निकलता है इसीलिए उन ग्रंथियों का नाम भी उन जठर के नाम पर पड़ गया, तो ग्रंथियों को जठर ग्रंथि कहा गया। अब परीक्षा में आपसे पूछता है कि जठर ग्रंथि हमारे शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है, तो उत्तर क्या होगा, अमाशय। अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां, ठीक है। जठर ग्रंथि को दोस्तों बोलते क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और यहीं से जठर रस भी निकलता है यानी जठर रस का श्रावण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करा जठर रस में क्या पाया जाता है दोस्तों, करा इसमें HCl होता है, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, बहुत खतरनाक एसिड होता है जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है या बांटता है, क्योंकि आपने भोजन को अच्छी तरह से चबा करके अमाशय तक भेजा है। अब अमाशय का काम है भोजन को और ज्यादा पीसना, ठीक है, तो ये पीसने की प्रक्रिया जो होती है कहां से शुरू हो पाती है, याद रखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये इसी से हो पाता है, क्योंकि बिना एसिड के भोजन को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। कर जठर रस में HCl के अलावा भी दो अन्य एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखेगा। एक एंजाइम का नाम है रेनिन, क्या है, रेनिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, और एक एंजाइम है पेप्सिन, कौन सा, रेनिन और पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। जठर रस के अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है, जठर ग्रंथियां जिस रस का श्रावण करती हैं वो जठर रस होता है, और उसके रस में एक एसिड और दो एंजाइम जिसका नाम आप याद रखेगा क्या क्या, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसके अलावा पेप्सिन
पेप्सिन और रेनिन नाम का भी एंजाइम यहां पर पाया जाता है। ये दोनों एंजाइम है, पेप्सिन और रेनिन क्या है, एंजाइम के नाम है, याद रखिएगा, गलती से प्रोटीन मत बोलिएगा, एंजाइम है, ठीक है। करा अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है और संग्रहण भी होता है। आंशिक मतलब पूरा का पूरा भोजन अमाशय में नहीं पचता है, अमाशय से छोटी आंत के दौरान बीच में का स्थान पड़ता है ग्रहणी, क्या पड़ता है ग्रहणी, वहां पर भी पाचन होता है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। दोस्तों देखिए ये हमारी अमाशय है, ठीक है, और अमाशय में कुछ इस तरीके से भोजन का पाचन होता है और अमाशय में जो सिकुड़न होती है इसी के थ्रू फिर भोजन क्या होता है आगे की तरफ बढ़ता है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे अमाशय से भोजन का टुकड़ा आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत तक फैल जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया पूरी है जो हमारे शरीर में होती है। आज का टॉपिक जो है वो स्पेशली अमाशय के ऊपर है, तो बहुत डिटेल में स्पेशली अमाशय के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अभी सोचो कि एक थैलीनुमा संरचना पर जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो तो मैं बता चुका आपको, क्या भाई वहां पर जठर रस है, वहां पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसमें HCL होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है। टूटे हुए टुकड़ों को काइम कहा जाता है, काइम, ठीक है, जब ये अर्ध तरल पदार्थ में भोजन आ जाता है तो उसे काइम कहा जाता है, क्या बोलते हैं, काइम, ठीक है। इसके अलावा वहां पर पेप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इतनी बातें तो सर बता दिया, अब अमाशय में इससे ज्यादा क्या पढ़ना है दोस्तों, पढ़ना है, अभी तो क्लास शुरू हुई है, ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, सुनिएगा ध्यान से। करा अमाशय में पाचन, अब एक एक लाइन देखिए, अमाशय में पाचन एक्चुअली में होता कैसे, करा यहां पर पाचन अम्लीय माध्यम में होता है, किसमें होता है, अम्लीय माध्यम में, क्योंकि HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड माने अम्ल, ठीक है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, तो याद रखिए यहां पे पाचन कैसे होता है, ये अम्लीय माध्यम में पाचन होता है। करें भोजन के उपरांत, भोजन जब आपने ग्रहण कर लिया ना उसके 4 घंटे तक, कितना, 4 घंटे, ये मैं साइंटिफिक डेटा आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ाई करने के दौरान आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। तो याद रखिए दोस्तों, भोजन के उपरांत 4 घंटे तक जो भोजन होता है वो हमारी अमाशय में उपस्थित रहता है, तब तक ये अमाशय में ही पचता रहता है, कितने घंटे तक, खाना खाया उसके 4 घंटे बाद तक, ठीक है, रहता है। और इन 4 घंटों के दौरान जो प्रोटीन के एंजाइम है वो मुख्यतः भोजन में उपस्थित प्रोटीन के साथ काम करते हैं और उनको शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। करा अमाशय की आंतरिक भित्तियों पर उपस्थित जो ग्रंथियों की बात अभी मैं कर रहा था, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है, जिसको जठर ग्रंथियां कहा जाता है, करा वो जठर रस के साथ साथ HCl का श्रावण करती हैं। दोस्तों यहां पे बता रहा हूं एक चीज, आप सोच रहे होंगे ना, अगर HCl इतना खतरनाक एसिड होता है तो क्या सर वह इस अमाशय के आंतरिक परत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, एक बात पॉइंट की आती है कि नहीं, आप बताओ, अगर HCl इतना खतरनाक होता है, ठीक है, तो क्या वह अमाशय के आंतरिक हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचाता है, नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन पहुंचा पाता नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पर एक विशेष लेयर पाई जाती है जो कि म्यूसिन के द्वारा तैयार किया जाता है, उस लेयर की वजह से हमारे अमाशय की आंतरिक भित्तियां सुरक्षित रहती हैं, ठीक है, यहां पर देखिए दे रहा है। अच्छा एक चीज और, ये वाली स्लाइड में आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूं दोस्तों, एक बात आपसे मैंने कहा था कि अमाशय से क्या भोजन वापस ऊपर की तरफ मतलब ग्रास नली की तरफ नहीं आ सकता, या छोटी आंत की तरफ अगर भोजन गया तो क्या छोटी आंत से भोजन वापस अमाशय की तरफ नहीं आ सकता। मैंने कहा था इन दोनों कंडीशन में एक वाल्व लगा होता है, जैसे कमरे में इंटर करने के लिए घर में गेट लगा होता है, कमरे में गेट लगा होता है, उसी तरह से अमाशय में इंटर करने के लिए ग्रास नली से आते समय आपको वाल्व मिलेगा, वो वाल्व नीचे से ऊपर जाने से चीजों को रोकता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिए भोजन को अमाशय से ग्रसिका में जाने से रोकता है कौन, कार्डिया, उस वाल्व का नाम क्या है, कार्डिया नाम है। उसी तरह से जो भोजन आंत में जा चुका है, आंत मतलब छोटी आंत में जा चुका है, वहां से वापस अमाशय में ना आए इसके लिए एक वाल्व लगा होता है जिसका नाम है पाइलोरिक, क्या नाम है, पाइलोरिक वाल्व कहा जाता है, ठीक है। करा अमाशय की दीवार पर 4 करोड़ से अधिक जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस का श्रावण करती हैं, ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब अगली स्लाइड पे आ रहे हैं दोस्तों, तो अगली स्लाइड पे देखिए कुछ अन्य चीजें आपको दिख रही होंगी दोस्तों। यहां से भोजन जब आगे बढ़ता है ना, एक सेकंड देखो, जब यहां से भोजन आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि आगे बढ़ने से पहले ही ये जाकर के मिल जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये ग्रीन वाली पाइप में जाके मिल जा रहा है, ध्यान से देखो, इधर से भोजन अगर आगे आएगा पचने के बाद, जब वो ग्रहणी
नदी से होते हुए छोटी याद की तरफ जाएगा तब तक उसकी मुलाकात एक ग्रीन रंग के पाइप से होती। दोस्तों ये पित्ताशय है, क्या है ये? पित्त की थैली है जिसमें पित्त भरा होता है। वैसे पित्त का निर्माण तो यकृत में होता है, इसके ऊपर यकृत है, तो पित्त का निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन वह आकर स्टोर होता है इस थैली में। उस थैली से यह पित्त कहां जाता है? इस पित्त को बाइल जूस कहा जाता है, बाइल BILE बाइल जूस कहा जाता है, और वही बाइल जूस आकर मिलता है इनसे, तब ये उसके साथ ग्रहणी में जाता है। ठीक है, इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा, क्यों? यह भी पाचन में आवश्यक भूमिका निभाता है। आगे देखिए, अब कुछ स्पेशल एंजाइम के नाम मैं आपको बताता हूं, जो HCl के साथ अभी हम लोगों ने नाम लिया कि पेप्सिन है, रेनिन है, ठीक है, तो उनका काम क्या है, कैसे अमाशय में और कौन कौन से एंजाइम है, उन सभी एंजाइम का काम क्या है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों एक एंजाइम होता है लाइपेज, ठीक है, लाइपेज करता क्या है, जब कोई आप फैटी आइटम लेते हैं, फैट वाली चीज आपने कुछ खाया, फैट मतलब कोई ऐसा जो ऑयली चीज है, अगर आपने उसको ग्रहण किया तो याद रखिए इस ऑयली चीज में होता है फैट, और फैट को पचाने के लिए जो जिम्मेदार एंजाइम है वो कौन सा है, तो लाइपेज है। आपसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछता है कि फैट को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, ऑप्शन एक लाइपेज, ऑप्शन दो प्रोरेनिन, ऑप्शन थ्री रेनिन, ऑप्शन फोर पेप्सिन, तो ऐसे करके ऑप्शन दे दिया। आपको बताना पड़ेगा कि फैटी आइटम के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, तो यहां पर याद रखे लाइपेज उत्तरदायी होता है। और लाइपेज क्या करता है, इस फैट को तीन हिस्सों में बांटता है, कैसे, एक ट्राइग्लिसराइड बोला जाता है, दूसरा है फैटी एसिड जिसको वसी अम्ल कहते हैं, तीसरा है मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है, इन छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके विभाजित कर देता है। ठीक है, कराए जो हमारे शरीर के अंदर अमाशय के आंतरिक भित्तियों में जो HCl होता है वो इतना खतरनाक होता है कि अमाशय को काट सकता है, लेकिन काट नहीं पाता, क्यों? क्योंकि जो म्यूकस सेल होता है ना, जो म्यूकस सेल होता है वहां से म्यूसिन निकलता है, उस म्यूसिन का लेयर उस पे बना होता है, और वो लेयर क्या करता है, अमाशय की दीवार को HCl से बचाता है, अमाशय की दीवार को HCl से बचाता है। अब यहां पे मैं एक अच्छी कहानी आपको सुनाने वाला हूं, बहुत बेहतरीन कहानी, ठीक है, पहले यहां पे देख लीजिए फिर आपको कहानी सुनाता हूं। दोस्तों ये लेयर कुछ इस तरह की होती है, जो म्यूसिन की परत होती है, याद रखे म्यूकस से आती है, ठीक है, ये अमाशय की दीवार पर लगी होती है। यहां पर एक और सेल दे रहा है, ठीक है, इसको इंट्रो इंडोक्राइन बोला जाता है, इंट्रो इंडोक्राइन, ठीक है, यहां पर जो होता है गैस्ट्रन होता है, एक विशेष हार्मोन होता है जो भूख का आभास कराता है। दोस्तों उसके अलावा, इस गैस्ट्रन के अलावा बता दूं, हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक पाया जाता है, क्या होता है, बायोलॉजिकल मतलब एक ऐसी घड़ी जो बिना समय देखे आपको समय का अंदाजा लगाती है। कभी कभी होता है ना, जैसे आपने अगर टाइम फिक्स कर लिया कि सुबह 9 बजे आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो अगर आप घड़ी के सामने नहीं है, समय नहीं भी देख रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि भूख लगी है, 9 बज गया, भूख लगी। भाई ये कैसे पता चल पाता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, वो क्या करता है, वो यहां से HCl को रिलीज करता है एक पर्टिकुलर टाइप पर। जब आप खाना खाने वाले होते हो ना, उसके कुछ समय पहले HCl रिलीज होता है, ठीक है, तो जब वो HCl रिलीज होता है तब आपको भूख का एहसास होता है, क्योंकि उसी समय ये एक्टिव होता है गैस्ट्रन, ठीक है, गैस्ट्रन ये एक्टिव होता है और आपको भूख का एहसास होता है। किंतु यदि मान लो कि उस खाने वाले टाइम पर आपने कुछ नहीं खाया, मतलब जिस समय भूख का एहसास होता है अगर आपने कुछ नहीं लिया, तो ये जो HCl होता है वो अमाशय की दीवारों पर जाके चिपक जाता है। अगर आपने कुछ खाया होता तो वो HCl जाकर के क्या करता, आपके द्वारा खाए गए भोजन को तोड़ता, लेकिन क्योंकि आपने कुछ नहीं खाया तो जो HCl रिलीज हो चुका है अब वो अमाशय की दीवारों पर चिपक गया है और वो उन दीवारों को धीरे धीरे काटता है। जब वो काटता है ना, तो आपको महसूस होता है यार पेट कचोट रहा, आप कहते हैं ना बहुत तेज भूख लगे, बहुत पेट कचोट रहा है, ठीक है, पेट में चूहे कूद रहे। एक्चुअली वो चूहा कूदना क्या होता है, वो HCl आपके पेट के अंदर, आपके स्टमक के अंदर, आपके अमाशय के अंदर जो आंतरिक परत होती है उस परत को काट रहा होता है, आप कह सकते हो जो म्यूसिन की लेयर होती है उस म्यूसिन के लेयर को काट रहा होता है, तब आपको एहसास होता है कि मेरे पेट में बहुत चुभन सी लग रही है, ठीक है। जैसे आप एक गिलास पानी पीते हो, देखो ये चुभन शांत हो जाती है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस पानी के साथ जाकर HCl मिक्स हो जाता है और उसी के साथ वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपकी चुभन तुरंत शांत हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका पेट कचोट रहा है, आप सही समय पर खा नहीं पा रहे हो, तो कुछ ना कुछ जरूर खाओ, क्यों, क्योंकि अगर म्यूसिन की लेयर कट गई, ठीक है,
तो फिर जान लो गैस बनने की प्रक्रिया चालू होगी और फिर उससे फिर आप कभी जिंदगी में निजात नहीं पा सकते, ठीक है? तो याद रखेगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, करा HCl के कार्य, मोटी मोटा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसके कार्य क्या होते हैं। यहां पर दे रहा है भोजन को अम्लीयता प्रदान करना, भाई अम्ली बनाएगा तभी टूटेगा। एक बार भोजन अम्ली बनता है आगे जाके भोजन क्षारीय बनता है, हाँ अम्ली क्षारीय हर तरह से तोड़ा जाता है। कोई बैक्टीरिया किसी वजह से अगर बच गया तो उसको तुरंत मारो, ऊपर तो लाइसोजाइम था ना उसने बैक्टीरिया को मारा, यहां HCl भी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। करा भोजन में उपस्थित जीवाणुओं एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उनको नष्ट करने का काम HCl करता है। जठर रस में उपस्थित जो निष्क्रिय एंजाइम है उनको सक्रियता प्रदान करने के लिए यह HCl काम आता है। यह निष्क्रिय मतलब डीएक्टिवेट है, ऐसे एंजाइम जो डीएक्टिव है ठीक है उनको एक्टिव करता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा यह HCl के कार्य हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, करा भोजन, कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कहीं आप भोजन देख रहे हैं तो बड़ा ठीक है वैसे ही लालच आ जाता है, बड़ा खाने की इच्छा हो जाता है, या फिर कहीं आपको सूंघने कहीं गए आपको स्मेल आ रहा है, क्या गजब का बना है ठीक है स्मेल, या फिर कहीं आपने भोजन का स्वाद लिया। दोस्तों इन तीनों ही कंडीशन में याद रखिए ये सूचना किसी न किसी तरीके से चाहे देखने के बाद से अच्छा गजब गजब पकवान बने, देख करके ये सूचना मस्तिष्क तक पहुंच गई या सूंघ करके ये सूचना मस्तिष्क तक पहुंच गई या चख करके या कोई बात कर रहा है बढ़िया बढ़िया क्या भोजन की तो आप सुन करके भी ये सूचना आपके मस्तिष्क यहां पहुंच गई। तो चाहे मैं आंख की बात कर लूं, चाहे मैं नाक की बात कर लूं, चाहे मैं कान की बात कर लूं, चाहे मैं स्वाद की बात करूं मतलब इस जीभ की बात कर लूं ठीक है, तो ये क्या करता है ये सूचना मस्तिष्क से उठा करके जो वहां पर उपस्थित मस्तिष्क के अंदर जो उपस्थित मेडुला होता है उसको सूचना पहुंचाता है। ये मेडुला क्या करता है, ये मेडुला दोस्तों याद रखिए एक्टिव होता है और वहीं से संकेत आता है, और जब वहीं से संकेत आता है तो जठर रस निकलना शुरू होता है। जठर ग्रंथियों से गैस्ट्रिक ग्लैंड से जठर रस निकलना शुरू होता है, फिर HCl रिलीज हुआ, खाने का समय हो गया, HCl रिलीज होना स्टार्ट होता है। याद रखिए प्रतिदिन 1 से लेकर 3 लीटर तक HCl जो है जठर रस निकलता है। जठर रस में केवल HCl नहीं होता, मैंने कहा ना उस पे पेप्सिन रेनिन नाम के कई सारे एंजाइम, इस तरह से बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बहुत सारे एंजाइम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अमावस्या की क्लास इतनी छोटी क्लास नहीं है, आपको हर छोटे बड़े टॉपिक से मैं परिचित कराऊंगा ठीक है। करा 1 से 3 लीटर यहां पे जठर रस होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। जठर रस के मिलने के बाद ना भोजन लिक्विड अवस्था में आ जाता है। कैसे आ जाता है, लिक्विड मतलब जो भोजन आप किए होते हैं ना अब उसमें क्या होता है लिक्विड मिक्स हो जाता है, इसलिए यहां पर उस भोजन को काइम कहा जाता है, काइम नाम दिया गया ठीक है। ये एक तरह से सेमी लिक्विड होता है, ना तो पूरा लिक्विड ना तो सॉलिड, दोनों के बीच की अवस्था होती है काइम की ठीक है। और इसके बाद 3-4 घंटे तक ये पाचन चलता रहता है, उसके बाद पाइलोरिक छिद्र के माध्यम से होते हुए ये भोजन कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत की तरफ पहुंचता है ठीक है। आगे देखिए जठर रस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वहां पर स्पेशली 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें पहला एंजाइम है पेप्सिनोजेन। सुनिए अब देखिए मैं खाली ऐसा नहीं कि पेप्सिनोजेन आपको बता दूं, ऐसे नहीं, आप जानो कि जो एंजाइम होते हैं इनका काम क्या होता है। HCl का काम तो आपको पता चल गया, एंजाइम का काम भी आपको पता होना चाहिए। तो जो पेप्सिनोजेन होता है ना कारा यह निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होता है, जिस समय निकलता है ना उस समय यह डीएक्टिव रहता है, इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं रहती है, तो यह निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होता है और HCl के प्रभाव में आते ही यह सक्रिय हो जाता है और यह पेप्सिनोजेन जो है यह पेप्सिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, पेप्सिन में। अच्छा जब बदल गया तो अब यह एक्टिव एंजाइम हो गया, अब एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, तो याद रखिए पेप्सिन भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन होता है उनको तोड़ करके पेप्टोन बनाता है। प्रोटीन को तोड़ करके किसमें बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। तो नाम देखिए काफी सिमिलर है, पेप्सिन क्या करता है प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टोन में बदलता है। समझ में आ गया ना, ये अमाशय के अंदर जठर रस के साथ स्रावित होने वाला एंजाइम है। दूसरा दे रहा है प्रोरेनिन, रेनिन खाली नहीं प्रोरेनिन, प्रोरेनिन जो होता है ये भी डीएक्टिवेट होता है, लेकिन HCl के प्रभाव में आते ही प्रो शब्द हटता है और रेनिन बचता है। क्या बचता है, रेनिन। तो याद रखिए जो रेनिन होता है ना ये दूध में उपस्थित जो कैसीन होता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, केसिन बोलते हैं, कैसीन नहीं केसिन ठीक है, केसिन, केसिन को पैरा केसिनेट में बदलता है। ये रेनिन क्या करता है, दूध में उपस्थित केसिन को पैरा केसिनेट में बदलता है ठीक है, इसको भी याद
रखेगा। तीसरा है लाइपेज, पीछे बता चुका हूं फैटी एसिड होता है उसको चेंज करता है, ठीक है। करा जो हल्की वसा या क्रीम होता है ना उनको तोड़ करके ग्लिसराल बनाता है, क्या बनाता है, ग्लिसराल बनाता है। तो ये उपस्थित एंजाइमों के काम है। आगे देखिए दे रहा दोस्तों, अमाशय के अंदर जो पेप्टिक सेल होता है उसको चीफ सेल भी कहा जाता है, मुख्य सेल कहा जाता है पेप्टिक को, ठीक है। और यहीं पर गैस्ट्रिक जाइमोजेनिक सेल भी होता है जहां से एंजाइम निकलता है जो पेप्सिनोजन होता है। और पेप्सिनोजन क्या काम है उसका, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। आपने दाल खाया, फल फ्रूट खाया, अंडा खाया, मांस खाया, मछली खाया, उनसे जो प्रोटीन मिला उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके बराबर करना। और एक तरफ जो ऑक्सीजेनेटिक सेल होता है ना, वही ऑक्सीजेनेटिक सेल ये एसिड निकालता है, HCl स्पेशली जठर रस में ऑक्सीजेनेटिक सेल के द्वारा निकाला जाता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे कहा जाता है, जीवाणुओं को मारने में मदद करता है और भोजन को छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ने में मदद करता है। आगे देखिए जठर रस के संबंधित और भी कुछ तथ्य हैं जो याद रखिएगा। करा अमाशय में भोजन का पाचन होने के बाद उसकी लुगदी बन जाती, लुगदी को ही तो काइम कहा जाता है, पेस्ट कहा जाता है, समान हो जाता है, इसलिए अमाशय से बाहर निकले हुए भोजन को काइम कहा जाता है। काइम का पाचन कहां पर होता है, ग्रहणी और छोटी आंत में होता है। तो डायरेक्ट छोटी आंत नहीं, पहले ग्रहणी फिर छोटी आंत में होता है। करा ग्रहणी में पाचन, यहां पर पाचन क्षारीय माध्यम में होता है, जबकि अमाशय के अंदर जो पाचन हो रहा था वो अम्लीय माध्यम में हो रहा था। तो परीक्षा में अगर प्रश्न बना कि बताइए शरीर के किस भाग में पाचन क्षारीय माध्यम से होता है, ये अपने आप में टिपिकल प्रश्न है, परीक्षा में आ गया ना, आधे ज्यादा लोग गलत कर देंगे, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। आप जानो कि कहां पर क्षारीय माध्यम में होगा, तो याद रखिए ग्रहणी, क्या नाम है, ग्रहणी में, ठीक है, ग्रहणी, ग्रासनली मत बोलिए, ग्रासनली होता है, ग्रहणी अलग होता है, वहां पे क्षारीय माध्यम है। करा ग्रहणी में ही पित्तवाहिनी जो बाइल वाला आके मिल रहा था ना, बाइल जूस, ठीक है, पित्ताशय से पित्त रस आके मिल रहा था, ग्रीन वाली पाइप मिल रही थी, वही ग्रहणी है। करा कि ग्रहणी में पित्तवाहिनी द्वारा पित्त और अग्नाशयी वाहिनी द्वारा अग्नाशयी रस का श्रवण होता है और ये सब आकर के मिल जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दो तरह के नए रस मिल रहे हैं यहां पर आपको, एक तो पित्त रस मिल रहा है जो कि पित्ताशय में स्टोर होता है, और दूसरा अग्नाशयी रस मिल रहा है, ठीक है, इसको पैंक्रियाटिक जूस कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए दे रहा है पित्त रस यानी पित्त के बारे में देख लेते हैं, बाइल के बारे में। करा यह यकृत में बनता है, यकृत यानी लीवर, यकृत यानी लीवर। करा यह यकृत में बनता है और पित्ताशय में एकत्रित रहता है। पित्ताशय को इंग्लिश में गाल ब्लैडर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गाल ब्लैडर कहा जाता है, जबकि यकृत को लीवर कहा जाता है। करा लीवर में बनता है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछता है ना, तो बच्चे पित्त से पित्ताशय टिक करके चले आते हैं। अरे पित्ताशय थैली है स्टोर करने की, वो जो ग्रीन वाली थैली दिख रही थी ना, वो थैली है स्टोर करने की, बनता कहीं और है, बनता यकृत में है, स्टोर पित्ताशय में होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। करा यह हल्का पीले रंग का एक क्षारीय तरल पदार्थ होता है जिसका पीएच मान कितना होता है, 7.1 से 7.6। तो मैंने आपको बताया था कि पीएच मान अगर 7 है तब तो उदासीन माना जाएगा, पीएच मान यदि 7 से कम है तो अम्ली माना जाएगा, लेकिन अगर पीएच मान 7 से ज्यादा, यहां पर 7.1 से 7.6 है, इसका मतलब यह क्षारीय है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसका पीला रंग क्यों होता है, बिलुबिरिन के कारण, पता है बिलुबिरिन की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तभी पीलिया होता है, पीलिया नामक रोग का नाम सुना है ना, पीलिया होता है बिलुबिरिन के बढ़ने के कारण ही। आरबीसी कोशिकाएं दोस्तों यहीं पर मरती हैं और उनके मरने का स्थान एक कब्रिस्तान कहा जाता है, प्लीहा यहीं पर होता है, वहीं से जाकर यह बाइल जूस क्रिएट होता है, बनता है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि बाइल जूस बनता कैसे है, वो एक कहानी बताऊंगा आपको, ठीक है, जब छोटी याद पढ़ाऊंगा, छोटी याद क्योंकि छोटा चैप्टर है, उसके साथ जोड़कर पढ़ाऊंगा आपको। करा पित्त रस के कार्य, करा भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करना, जाहिर सी बात है भाई 7.1 से 7.6 अगर पीएच मान है तो क्षारीय माध्यम तो प्रदान करना ही है। करा भोजन में उपस्थित जीवाणुओं एवं अन्य सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करना, ठीक है, वसा का इमल्सीकरण करना, जब वसा टूट नहीं पाता है अम्लीयता के कारण तो उसको क्षारीयता के कारण तोड़ा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। वसा में घुलनशील पदार्थों को जल में घुलनशील पदार्थों के रूप में बदल देना, ठीक है, ये किसका काम होता है, ये भी आपके बाइल जूस का काम होता है, ठीक है। अब देखिए एक इमेज के माध्यम से आपको दिखा दे रहा हूं, ये लीवर की संरचना है और लीवर के ठीक नीचे आपको क्या दिख रहा है, गाल ब्लैडर दिख रहा है, ये गाल ब्लैडर ये क्या है, ये पित्ताशय है, इस पित्ताशय से जो आ रहा है यहां पर मिल रहा है दोस्तों, याद रखिए किससे जाकर मिल जाएगा, ये ग्रहणी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
करा अग्न्याशयी रस यानी पैंक्रियाटिक जूस की बात कर रहा है। अग्न्याशयी रस मतलब पैंक्रियाटिक जूस की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए करा यह एक तरह का क्षारीय द्रव होता है, बाइल जूस भी क्षारी होता है, भी क्षारी होता है। अच्छा दोनों में से कौन ज्यादा क्षारी होते हैं, याद रखिए अग्न्याशयी रस ज्यादा क्षारी होता है। क्यों? पीएच मान 7.5 से 7.8 होता है और उसका पीएच मान कितना होता है 7.1 से 7.6। तो बताओ हाईएस्ट पीएच मान इसका आ रहा है ना 8-8 तक जा रहा है, ठीक है 8 तक जाता है, यहां पर 8 लिखा है तो भी आप याद कर लो क्षारीय ज्यादा होता है, ठीक है। कह रहा है कि वास्तव में यह अनेक एंजाइम का संग्रह होता है जिसमें निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। यहीं पर एमाइलेज पाया जाता है, अग्न्याशयी रस में क्या होता है एमाइलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। कह रहा है यह स्टार्च और डेक्सट्रिन को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में चेंज करता है, माल्टोज और आइसोमाल्टोज में चेंज करता है एमाइलेज, ठीक है। कह रहा है ट्रिप्सिनोजेन जो होता है यह निष्क्रिय अवस्था में होता है और ड्यूडोनल म्यूकोसा से निकलने वाले इंट्रोकाइनेजर के प्रभाव से सक्रिय होकर प्रोटीन एवं पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। पहले वो पेप्टोन में चेंज हो चुका है प्रोटीन टूट करके, अब वो एक हिस्से में और टूटने जा रहा है, पेप्टोन से क्या बनने जा रहा है पेप्टाइड बनने जा रहा है, ठीक है। तो पेप्टोन से पेप्टाइड में बदलता है, ट्रिप्सिनोजेन काम करता है, ठीक है। आगे देखिए इसी तरह से लाइपेज होता है जो फैटी एसिड को तोड़ करके ग्लिसराल में बदलता है, कीमोट्रिप्सिन होता है यह दूध में जो प्रोटीन है कैसीन उसको पैरा कैसिनेट में चेंज करता है, और उसी तरह से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, ठीक है, जो कि पेप्टाइड को छोटे छोटे पेप्टाइड में बांटता है और अमीनो एसिड में बदल देता है। इस तरह से प्रोटीन का पूरा पाचन हमारे शरीर के अंदर हो जाता है। ये अग्न्याशयी रस की बात कर रहा हूं। कुछ और चीजें देख लीजिए दोस्तों अगर एंजाइम की बात करें तो एक प्रमुख एंजाइम है रेनिन, ठीक है। रेनिन जो एंजाइम होता है दोस्तों ये केवल दूध के पाचन के लिए जरूरी होता है, उसके अंदर होता है पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। और जो मिल्क होता है ना उसमें एक मात्र एंजाइम होता है प्रोटीन होता है जिसका नाम है केसीन। याद रखें मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे जो रेनिन है ना, एक मिनट रुको, यहां पे जो रेनिन है क्या है ये एंजाइम है। ये रेनिन एंजाइम क्या करता है ये दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो दूध में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इस केसिन नाम के प्रोटीन को पचाने के लिए जिम्मेदार कौन है, ये रेनिन जिम्मेदार होता है। लेकिन मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, आज मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने वालों जो बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने दूध पिया तो दूध को सबसे अच्छे तरीके से सबसे बेहतर तरीके से कौन पचाता है, ये रेनिन पचाता है। लेकिन समस्या यह है ना कि रेनिन जो है बच्चे के शरीर में केवल 3 वर्ष की अवस्था तक ही स्रावित होता है या अधिकतम 4 वर्ष तक, उसके बाद यह रेनिन का श्रावण नहीं होता है। तो अगर रेनिन का श्रावण नहीं होगा तो मतलब दूध नहीं पचेगा, नहीं दूध पचता है। क्यों? कम पच पाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है, रेनिन है सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और जब रेनिन शरीर में बनेगा ही नहीं, जैसे हम अगर दूध पीते हैं तो हमारे शरीर में दूध का पाचन कौन करेगा, अगर हम बच्चे होते तब तो रेनिन पचाता, रेनिन जो एंजाइम है वो इस केसिन को चेंज करके पचाता। लेकिन अगर हम बड़े हो गए हैं तो क्या होगा, तो कह रहा बच्चों के जठर रस में क्योंकि HCl होता नहीं है, छोटे बच्चों में HCl नहीं निकलता है, उनकी जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो HCl का श्रावण, अरे उनका आमाशय यार अभी बन रहा होता पैदा हुए हैं, कितना मजबूत आमाशय होगा, उनके में HCl रिलीज हो जाएगा तो आमाशय ही चौपट हो जाएगा, ठीक है। तो उनके में आमाशय नहीं होता, उनके में रेनिन ही होता है और रेनिन ही पूरा पाचन करता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि बच्चे छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा भोजन नहीं कराना चाहिए, बहुत लाइट भोजन उनको देना चाहिए, कभी हार्ड नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर HCl होता नहीं तो पचा नहीं पाएगा ना बच्चा, तो यहां पर रेनिन ही पाया जाता है और रेनिन ही दूध को भी पचाता है और रेनिन ही अन्य प्रोटीन को भी पचाता है, बच्चों के शरीर में अन्य प्रोटीन को भी पचाता है, तो उनको इसलिए थोड़ा खिलाया जाता है, ठीक है। यहां पर दे रहा है कि बच्चों को छोड़कर दूध से किसी को भी प्रोटीन प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए मामला क्या है, सुनिए पहले इस बारे में आपको बताता हूं। यहां पर देखिए एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। करा 3 साल तक ही स्रावित होता है रेनिन नाम का एंजाइम। देखिए यहां पर क्या दे रहा है, करा दूध के पाचन के लिए
सुनेगा ध्यान से, दूध के पाचन के लिए शरीर में रेनिन नाम के एंजाइम की जरूरत पड़ती है और ये एंजाइम आमाशय में मौजूद एक ग्रंथि से निकलता है। यह एक बच्चे के जन्म से लेकर के अधिकतम 3 साल तक ही स्रावित होता है, इसके बाद शरीर में इसका निर्माण बंद हो जाता है। तो दूध के लिए जिम्मेदार कौन है? रेनिन। अब जब रेनिन का निर्माण नहीं हो रहा तो आगे का कंडीशन देखिए, करा पाचन में मदद करता है लैक्टेज एंजाइम, रेनिन के जगह पे अब यहां पर कौन आ गया? लैक्टेज आ गया। दूध में लैक्टिक एसिड भी होता है, पता होगा आपको, ठीक है, तो ये लैक्टेज एंजाइम होता है, वो आ गया। करा ऐसे में सवाल उठता है कि जब रेनिन बनता ही नहीं है तो दूध का पाचन आखिर होता कैसे है? करा दरअसल रेनिन के अलावा एक लैक्टेज नाम का एंजाइम होता है जो पाचन में मदद करता है और यह एंजाइम हमारी आंत में पाया जाता है। क्या होता है? रेनिन के जगह पर लैक्टेज एंजाइम होता है, वो पाचन में मदद करता है। आगे कंडीशन देखिए, करा उम्र के साथ घटता लैक्टेज एंजाइम। अब देखिए उम्र, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके शरीर में लैक्टेज एंजाइम भी घटने लगता है। भाई रेनिन तो पहली बंद हो चुका, अब लैक्टेज चल रहा था, लैक्टेज भी उम्र बढ़ने के साथ साथ ये एंजाइम भी बनना कम हो जाता, और अगर लैक्टेज बनना कम हो जाएगा तो कर उम्र के साथ लैक्टेज एंजाइम भी घटने लगता है। ऐसी स्थिति में बेचैनी होना, उल्टी आना, डायरिया, ऐठन, गैस की समस्या, ये सभी होने लगती जब हमारे शरीर में लैक्टेज नाम का एंजाइम नहीं बनता है या कम बनता है। अगला कंडीशन दे रहा है कि दूध अधिक इकट्ठा होने पर वहां पर बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहां पर दे रहा है लंबे समय तक ये समस्या बनी रही तो दूध शरीर में अगर इकट्ठा होने लगता है तो उसके नतीजतन बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है, और अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ी तो पेट की बीमारी बढ़ने का खतरा हो जाता है। अगर बैक्टीरिया अधिक बढ़ने पर पेट में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 धूमधड़ाम चालू हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखेगा, और पेट से संबंधित बीमारी बढ़ने लगती है और उसका खतरा भी बढ़ जाता है। तो कुल मिलाजुला के दोस्तों बात ऐसी है कि जो पचने की बात आ रही दूध की उसकी बात हम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों आज की क्लास फिलहाल इतना ही, क्योंकि अमाशय के ऊपर ही आज आपकी विशेष क्लास थी। अगली क्लास में मैं बात करूंगा छोटी आंत के बारे में और उसके साथ कुछ अन्य फैक्ट भी आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कि अग्न्याशय से संबंधित होंगे। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली में बाइल जूस का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं है, 2-3 क्लास में आपका यह पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। डाइजेशन सिस्टम जो है ये अधिक लंबा चैप्टर था, इसके बाद आपका उत्सर्जन तंत्र या स्वतंत्र तंत्र आ जाएगा, तो उसमें बहुत लंबा नहीं होगा, ठीक है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत जल्दी ही बायोलॉजी आपकी कवर हो जाएगी। बाकी साइंस में आगे का टॉपिक रुका हुआ है, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, उसके कंटेंट दोस्तों मैं तैयार कर रहा हूं, थोड़ा सा लेट हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, ये कंटेंट भी जल्दी आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास ओवर होती है, उम्मीद करता हूं वीडियो को शेयर करना आप नहीं भूलेंगे। दोस्तों इस तरह के डिटेल में अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो बेशक आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता रहेगा। आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।